सीधी पुलिस ने तहसीलदार लवलेश मिश्रा पर जानलेवा हमला करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों में एक नाबालिग भी शामिल है। हमलावर चाय की गुमटी हटाने की बात से तहसीलदार से नाराज थे। एसपी पंकज कुमावत ने कुसमी तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर हमले के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चाय समोसे की गुमटी लगाने वाले देवी दीन जायसवाल की गुमटी पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, जो कि प्रभारी तहसीलदार लवलेश मिश्रा के आवास के पास ही था, जिस वजह से तहसीलदार ने दुकान हटाने की आरोपी को हिदायत दी थी, जिससे नाराज होकर गुमटी संचालक ने एक नाबालिग के साथ मिलकर पीछे से कुल्हाड़ी से तहसीलदार पर प्राणघातक हमला कर दिया। इस पूरे मामले में कुल्हाड़ी सहित दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरतलब है कि हमले के बाद से ही तहसीलदार मिश्रा का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में किसी तरह से सुधार होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आए हैं। तहसीलदार मिश्रा कोमा में है। रीवा आईजी ने मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की। देखिए, 1 सितंबर की रात में इस तरीके की नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। उसको गंभीरता से लेते हुए दो अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एडिशनल एसपी और एसडीओपी कुसमी के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। संदेहियों से पूछताछ की गई थी और कई संदेहियों को पकड़ के और इसमें पूछताछ जारी थी। उसमें पुलिस को सफलता हासिल होते हुए संदेही देवीदीन जायसवाल ने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटना कारित किया करना स्वीकारा है। जो देवीदीन जायसवाल है वो तहसील परिसर के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान लगाता है और अपने ही दुकान से टांगे का उपयोग करते हुए तहसीलदार और एसडीएम बंगले के पीछे से होते हुए रात 9 बजे के आसपास पेड़ों के पीछे छुप के तहसीलदार साहब का जो मूवमेंट है मॉनिटर करते हुए पीछे से आके गर्दन पे और सर पे प्राणघातक चोटें पहुँचाई है। इन दोनों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 7-8 दिन पहले से, जब से इन्होंने वहाँ की दुकान चालू की है, उस समय से नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा इनको कहा जाता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो और जो है आपके आने से यहाँ पे जो लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई थी वो हुई है और ऐसी चीज़ें ना हो भविष्य के अंदर, अदरवाइज जो है आपका टपरा ये हटवा देंगे। इस तरीके की जो कानूनी कार्रवाई की बात तहसीलदार महोदय ने जो लीगली वैलिड थी ऐसा करना भी चाहिए उनके द्वारा किया गया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।